कश्मीर न्यूज़ सर्विस प्रेजेंट्स। सर लुकिंग यहाँ से, लुकिंग यहाँ से। एक तो ये ऑकेजन नहीं था, पूछ दिया आप लोग। तो देखिए, जो भी हादसा होता है, ग्रेनेड थ्रो होता है, जब पिस्टल शूटिंग होता है, चारी ब्लास्ट होता है, इसमें मैक्सिमम देखा गया कि OHW जो है, जिसको हम लोग मिलिटेंट का एसोसिएट बोलते हैं, इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? कल हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू इसको तफ्तीश किए, तो एक आदमी को कल हमने अनंतनाग से गिरफ्तार किए, उसका पिस्टल ग्रेन मिला। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कल जो उसको अनंतनाग टाउन में कहीं किलिंग करना था। मैंने कहने का मतलब कि जो नए यूथ जो है OHW, ये भी इसमें आ रहे हैं। इसके लिए पुलिस बहुत अलर्ट है और हम लोग टेक्निकल सर्वेलेंस के थ्रू, ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। और ये हम लोगों के लिए टॉप प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, मिलिटेंट अगर कहीं आ जाएगा तो लोगों को पता, भाग जाते लोग। लेकिन ये OHW अगर आ जाता है कोई, किसी को पता नहीं होता है कि क्या करने वाला है। इसलिए ये हम लोगों के लिए बहुत, ये हमारा प्रायोरिटी नंबर वन पर है। देखिए, जानबूझ के हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। और अभी तक जितना हम लोग को जो डाटा मिला है, उसके हिसाब से तीनों जो एसोसिएट उसमें इनकाउंटर मारे गए, ये इन्वॉल्वमेंट था उनका, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट करते थे। और हम लोग चाह रहे हैं कि 10 दिन और टाइम लेंगे, पूरा लेके एविडेंस लेके पहले उनके पेरेंट्स को दिखा देंगे, उनको पहले कन्विंस करेंगे कि आपका बेटा कहाँ का इन्वॉल्वमेंट था, क्या था। 26 जनवरी आने वाला है सर, तो क्या तैयारी है सर? हाँ, उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे थे। अब नाका चेकिंग शुरू हो गया, कोडन सेट शुरू हो गया है, और हमारे लोग पूरे तैयार हैं, और हमारे टेक्निकल जितना भी है रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस पूरे सर्वेलेंस रखे हैं। लेकिन टेररिस्ट भी कुछ कुछ वारदात करेंगे, और इसके लिए हम लोग पूरा अलर्ट है, और हम पूरा फोकस रहेगा प्रिवेंटिव इंजेंस को, जो उसको ऐसा इन्फॉर्मेशन जनरेट करके उसको दबा दे, जहां से कुछ होता है उसको दबा दे। कुछ को प्रिवेंटिव अरेस्ट भी करेंगे, सोशल भी करेंगे, उसके लिए सेपरेट प्रेस में ब्रीफिंग देंगे, एसएसपी साहब दोनों मिलकर देंगे, और उसमें भी चलना हम लोग तक जा रहा है। सर, अतर के फादर का कहना है मेरा बेटा मर गया, मुझे अब डेड बॉडी चाहिए उसको। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी सिविलियन का डेथ होता है तो प्रोटोकॉल फॉलो होता है उनके बुरियल में, पब्लिक ही मानते हैं। लेकिन अगर किसी मिलिटेंट का डेड बॉडी हम देंगे या मिलिटेंट के एसोसिएट का देंगे, तो उसमें लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग है ना सीक्रूम चलाते हैं, थोड़ी में चलाते हैं। और अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, अगर हम उसको दे देंगे मान लीजिए, तो लोग बहुत लोग देखने आ जाएंगे, हजारों में आ जाएंगे, रोकना मुश्किल हो जाएगा। या तुमको फाइट करना पड़ेगा, टेलीफोन सेल करना पड़ेगा, चाहे उनको टैलेट यूज करना पड़ेगा, उसमें भी आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे। तो उनका चूंकि बुरियल हो गया है, उनके पेरेंट्स के सामने हुआ, उसमें पुलिस मजिस्ट्रेट, उनके पेरेंट्स भी, उनके फैमिली मेंबर पार्टिसिपेट किए हैं, तो अभी देने की लॉजिक दोबारा किसी का बुरियल होता नहीं है। बिल्कुल अभी देने को सवाल ही नहीं उठता है बोला, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट 60% प्रूफ हो गया। आप उनके पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, हमारे पास डाटा आ रहा है, पूरा एक्सपर्ट लेके उनके सामने रखते हैं कि देख क्या क्या इन्वॉल्वमेंट का पूरा। जब तक कोविड का प्रॉब्लम है, सोसाइटी कोविड खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम उसको नहीं देंगे। क्योंकि ये आप लोग भी देखेंगे, देखे होंगे, ये सब चीज भी है कि मिलिटेंट और एसोसिएट के बुरियल में लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग हमारा प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। सोपी को अभी किसी सिविलियन का बुरियल होगा, चाहे फ्यूनरल होता है, कुछ होता है, तो उसमें लोग बात मानते हैं, लेकिन मिलिटेंट के मामला में लोग निकल जाते हैं। कोई उपाय है उसके लिए? या तो आप उसको बाय फोर्स रोकेंगे, उसमें फायरिंग हो सकता है और फर्दर लॉस हो सकता है। उसको रोकने के लिए लार्जर इंटरेस्ट में हम लोग नहीं देते। देखिए, उनको मीडिया ने, सोशल मीडिया ने मिस इंटरप्रेट कर दिया। जो भी इनकाउंटर होता है तो सोर्स को पैसा दिया जाता है, ऑफिसर को नहीं दिया जाता है, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे पैरामिलिट्री का हो, चाहे मिलिट्री का हो, आर्मी का हो, ऑफिसर को पैसा देने का कुछ नहीं है। ये सोर्स को पैसा दिया था। इस केस में भी उनके कंपनी के कमांडर ने जो प्रोमिस किया था, जो दिया भी है, सोर्स को दिया। सोर्स ने खुद मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ उसमें बोला है, उसको दिया, वो सोर्स थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेजर को पैसा मिला चाहे सीओ को पैसा मिला, इसको मिस इंटरप्रेट मीडिया में किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।